बिपिन रावत। आज सुबह ही पहले उन्होंने दिल्ली से सुलूर के लिए उड़ान भरी थी और उसके बाद सुलूर से वो आगे वेलिंगटन जा रहे थे, जहां 2:45 बजे के आसपास उनका लेक्चर स्केड्यूल था डिफेंस कॉलेज में। हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी, ऐसी जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है। कुल 9 लोग बताया जा रहा है जो इस विमान में, इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ सवार थे। क्रैश में 4 लोगों की मौत, ये खबर बड़ी है, 4 लोगों की मौत की खबर है। 3 बताया जा रहा है जो बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं और जख्मी हालत में सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वेलिंगटन के अंदर जो बेस हॉस्पिटल है वहां पर ही उन्हें भर्ती कराया गया है। बड़ा है ये बेस हॉस्पिटल जो वेलिंगटन में है। तो कुल मिलाकर अभी तक इस क्रैश पर पूरा अपडेट आपके सामने, सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश। आज सुबह ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 लोगों की मौत, 3 बचाए गए, 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन्हीं में एक जनरल बिपिन रावत भी हैं। सीडीएस बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी इस हेलीकॉप्टर MI-17 में मौजूद थी, बताया जा रहा है जब ये क्रैश हुआ। 2 घायल अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी पहचान अभी जाहिर नहीं की गई है। और फिलहाल अपडेट के लिए सीधे आपको नीरज राजपूत के पास लेकर चलते हैं। नीरज, वेलिंगटन बेस अस्पताल बड़ा है और वहीं पर फिलहाल इलाज चल रहा है जनरल बिपिन रावत का, इस तरीके की सूत्रों के हवाले से खबर? बिल्कुल रुमारा, बिल्कुल ठीक है। वेलिंगटन जो डिफेंस स्टाफ कॉलेज है, जितने भी ऑफिसर जो लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल रैंक के लिए जो प्रमोशन होता है जिनका, उसके लिए ये जो यहाँ स्टाफ कॉलेज है, यहाँ पर एक कोर्स करना होता है, उसके लिए जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। करीब करीब 200-250 ऑफिसर्स जो हैं एक समय में एक बैच में यहाँ पर रहते हैं। विदेशों के ऑफिसर्स भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा ये मिलिट्री स्टेशन है वेलिंगटन भारतीय सेना का, और यहाँ पर ये कॉलेज, ये अस्पताल भी है जहाँ पर इनको ले जाया गया है, मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया है, तो वहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन स्थिति के बारे में जैसा कि यह बताया गया है कि गंभीर स्थिति, क्रिटिकल इंजरीज बहुत ज्यादा हैं उनको, क्योंकि क्रैश होने के बाद आग लग गई थी इस हेलीकॉप्टर में, तो ये क्रिटिकल स्थिति में भर्ती कराया गया है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल वर्जन जो है वो सदन कमांड की तरफ से, जो भारतीय सेना की सदन कमांड है जिसके अंतर्गत ये मिलिट्री स्टेशन आता है, और या फिर IDS जिसके अंडर ये इंस्टीट्यूट आता है, डिफेंस स्टाफ कॉलेज आता है, उनकी तरफ से अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि स्थिति कैसी है। लेकिन इतना बताया गया है कि गंभीर रूप से, गंभीर हालत में इन सभी को वहां पर भर्ती कराया गया। बिल्कुल, और जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, 4 लोगों की जान चली गई है, 3 लोग जख्मी है, लेकिन 14 लोग थे, तो क्या माना जाए कि 7 लोग लापता हैं अभी भी इस पूरे हादसे में? नीरज राजपूत, देखिए शोभना, जो उसमें जो लोग सवार थे, जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत हैं, उनके जो मिलिट्री एडवाइजर हैं, ब्रिगेडियर लीडर डिफेंस, उनके जो स्टाफ ऑफिसर हैं, जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी हैं, वो और साथ में, और लेकिन जो MI-17 जो हेलीकॉप्टर है उसका भी क्रू साथ में होगा ना, जो दो पायलट होते हैं उसके MI-17 हेलीकॉप्टर में, उसके साथ साथ इंजीनियर होता है, नेविगेटर होता है, और उसके साथ साथ उनके इंजीनियर्स भी होते हैं। करीब करीब 6 से 7 जो क्रू होता है एक हेलीकॉप्टर का। Mi-17 हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना का, रशियन हेलीकॉप्टर है, तो उसके लिए होगा, तो साथ में उनका क्रू भी होगा। जो नाम जो सामने लिस्ट आई है वो उन लिस्ट आई है जो दिल्ली से सुलूर गए थे, तो वो तो होंगे ही जहां तक माना जा रहा है। उनकी पत्नी, क्योंकि बताया गया कि उनकी फैमिली मेंबर्स भी थे उसमें उस वक्त जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो वो लोग और साथ में जो क्रू होगा इस भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर है Mi-17 हेलीकॉप्टर, तो वो भी साथ में होगा, तो उसको कुल मिलाकर जो है 13-14 एक दर्जन से ज्यादा लोग इसमें हेलीकॉप्टर में सवार हो सकते हैं। बिल्कुल, और नीरज राजपूत आप बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तमिलनाडु के कुन्नूर में ये भीषण हादसा हुआ है। सेना का जो MI-17 हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हुआ है, उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत मौजूद थे, उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी, उनका स्टाफ मौजूद था, और पिंकी राजपुरोहित भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पिंकी राजपुरोहित, सीडीएस बिपिन रावत का अस्पताल में उपचार चल रहा है, क्या अपडेट, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल जो लोकल सोर्सेज के थ्रू जानकारी मिल रही है शोभना, क्योंकि अब तक जो है कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सदन कमांड की तरफ से नहीं आया, ना ही PRO की तरफ से आया है और ना ही वेलिंगटन की ओर से आया, तो सीधे तौर पर जो इन्फॉर्मेशन हमें लोकल सोर्सेज के थ्रू मिल रही है, 4 बॉडीज जो है वो रिकवर की गई है, इस तरह की जानकारी, और बाकी लोगों को जो है वेलिंगटन के ही मिलिट्री हॉस्पिटल में जो है एडमिट किया गया है, तो ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। सुलूर कोयम्बतूर के जो एयरबेस है, जहां दिल्ली से जो उनका एयरक्राफ्ट है वो सुलूर पहले पहुंचा था, सुलूर से MI-17 हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर जो है वो कुन्नूर पहुंचने वाला था, वेलिंगटन इन सभी को पहुंचना था, जो 14 ऑन बोर्ड बताए जा रहे हैं उन सभी को वेलिंगटन पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही कुन्नूर में ये हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो जाता है और उसके बाद घायलों को जो है फिलहाल वेलिंगटन के ही मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस तरह की जानकारी लोकल सोर्सेस हमें बता रहे हैं। यहाँ पर एक और बात ये शोभना की जिस तरह से हम देखते हैं जेट एयरक्राफ्ट में इजेक्ट करना काफी जो है एक तरह से सुविधा होती है पायलट के लिए, लेकिन MI-17 हेलीकॉप्टर जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन हेलीकॉप्टर है वहां पर इस तरह की कोई भी इजेक्टिंग की फैसिलिटी जो है वो कितनी है इसको लेकर सवाल है, क्योंकि जो अभी मेरी समझ लेते हैं जब बात हो रही है समझ लेते हैं इजेक्ट को लेकर क्या क्या उसमें सुविधा होती है इसको समझ लेते हैं। हमारे साथ एयर चीफ मार्शल नितिन वैद्य जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर है। वैद्य साहब मैं समझना चाहूंगी कि जैसे अभी मेरी सहयोगी ने जिक्र किया इजेक्टिंग की, क्या इसमें कोई फैसिलिटी होती है इस हेलीकॉप्टर में MI-17 में? नहीं मैम, किसी भी आपको मेरी आवाज आ रही है जी? आप अगर टीवी देख रहे हैं तो उसको आप म्यूट कर दीजिए, वो आवाज इको कर रही है सर। हेलो जी वैद्य साहब, सुन सकती हूँ मैं आपको? इस बात पे मुझे ये कहना है कि किसी भी हेलीकॉप्टर में या किसी भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इजेक्शन सीट की कोई सुविधा होती नहीं है जी। और ये Mi-17 जो हेलीकॉप्टर है इसका वर्जन 1V होगा, जो लेटेस्ट Mi-17 वर्जन है, जो बहुत ही आधुनिक तरीके का हेलीकॉप्टर है। और जब आप इस तरह के VVIP को ले जाते हैं एक दूसरे जगह से एक दूसरी जगह, तो बहुत कुछ उसमें चेक किया जाता है, पायलट की क्षमता चेक की जाती है, फ्यूल डबल चेक किया जाता है, वेदर चेक किया जाता है। तो इस तरह का हादसा एक VVIP हेलीकॉप्टर के साथ होना बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और इस वक्त कुछ भी कहना नामुमकिन है जब तक आप उसकी ब्लैक बॉक्स नहीं निकालते हैं और पता नहीं करते हैं कि ये क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है। तो अब किसी नतीजे पे पहुंचना विल बी टू प्रीमैच्योर जी। आपको ऐसा लग रहा है वैद्य साहब की जो ATC से जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुआ होगा वो भी बहुत अहम हो जाता है इस पूरी जांच को लेकर? ट्रैक जैसे ही आप सुलूर क्रॉस करेंगे तो पूरा ट्रैक हिल बन जाता है, और इस हिली रीजन में अगर एयरक्राफ्ट में कोई दुर्घटना होती है तो लैंडिंग की एरिया बहुत ही कम होती है, एक फ्लैट लैंड जिसकी जरूरत होती है वो बहुत कम होती है, आसपास काफी खाई होती है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो आप लैंड करने की भी कोई अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि रोटर ब्लेड किसी पहाड़ को टकरा जाए या किसी पेड़ को टकरा जाए और दुर्घटना। जी बिल्कुल वैद्य साहब, मैं अब आऊंगी आपके पास, नीरज राजपूत का मैं रुख करना चाहूंगी। नीरज राजपूत, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि उनकी सलामती को लेकर CDS बिपिन रावत